अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। गोश्त, मटन, बीफ को जितना मुश्किल स्टमक में डाइजेस्ट करना है, उतना ही मुश्किल उसको आंतों में जाके एब्जॉर्ब करवाना है। अब इसकी वजह, इसकी रीज़न क्या है कि उसको हम किस टाइम पे खा रहे हैं, पकाया किस तरह से है, और उसके लिए हम लोगों ने दूसरे जौन सी चीज़ें देखनी है साथ में, प्री प्रोबायोटिक, पानी का इंटेक अच्छा है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जौन सी हैं बहुत मैटर करती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे आप लोग, तो आप लोग ईजिली गोश्त को डाइजेस्ट करा सकते हैं। और इसके अलावा इसको धोने का तरीका जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब ईद पे ये वीडियो मैं स्पेशल ईद पे कर रही हूँ, तो मैं स्पेशल ईद कुर्बानी के गोश्त की बात कर रही हूँ। होता क्या है, अव्वल तो उसको ज़िबा करते टाइम ही आप लोग उसका गोश्त अच्छी तरह से उसका निकालें गोश्त। अब दूसरे ममालिक में, सॉरी टू से इंडिया जैसे, वहाँ पर इंजेक्शन लगा के जानवर को बेहोश करके फिर ज़िबा किया जाता है। अब और वो लोग कहते हैं कि ये गोश्त जो है मटन या बीफ, ये हेल्दी नहीं होता है। उसकी रीज़न यही होती है कि उसका गोश्त, उसके जो उसका ब्लड है वो उसके अंदर रह जाता है, ठीक है, और ब्लड में ही बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। अब उस ब्लड वो अंदर है, सारे जर्म्स, सारे बैक्टीरिया उसके अंदर हैं, इसी वजह से वो अनहेल्दी होता है, लोग बीमार भी होते हैं। तो वो ये कंसेप्ट ले लेते हैं जी, ये मटन या बीफ खाना ठीक नहीं है। तो इस वजह से आप लोग कुर्बानी करते हुए, हम मुसलमान जौन से हैं, अब पाकिस्तान में जो है वो उसको ज़िबा करते टाइम ही अच्छी तरह से उसका ब्लड निकाला जाता है। और जब धोते हैं पकाने के लिए, यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सी फैमिलीज़ हैं, मैं देखती हूँ लोगों को कहते हैं कुर्बानी का गोश्त है, साफ़ ही है, बस इसको ऐसे ही एक मरतबा धो और पका लो। नहीं, जब तक उसके अंदर से ब्लड निकलता रहेगा आप लोगों ने उसे वॉश करते जाना है। बिल्कुल जब गोश्त रह जाएगा, वाइट कलर में वो आ जाएगा, उसमें से ब्लड निकल जाएगा, तब आप लोगों ने उसे कुकिंग के लिए रखना है, ठीक है। सारे बैक्टीरिया जर्म्स उस ब्लड के अंदर हैं, तो आप लोगों ने, गोश्त के अंदर नहीं होते हैं, उस ब्लड के अंदर होते हैं। तो आप लोगों ने ब्लड को अच्छी तरह से क्लीन करना है, उसे बार बार वॉश करके। पहले नंबर पे ही ये चीज़ आ जाएगी, आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे तो वो हेल्दी गोश्त में कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि हम लोगों ने गोश्त को किस तरह से डाइजेस्ट कराना है, इसके लिए आप लोग किस किन किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं अपने लिए डाइजेस्ट करना है इसको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और अगर आप लोगों को लगे कि ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, US, UK, कतर, इन सब ममालिक में मेरी वीडियोज़ देखी जाती हैं, इन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अब गोश्त को डाइजेस्ट कराने के लिए क्या है कि गोश्त होता है एसिडिक, ठीक है, उसकी नेचर जो तासीर होती है वो एसिडिक होती है। हम लोगों ने अपनी बॉडी को, अब इन दिनों में आप लोगों ने ईद के इन स्पेशल डेज़ में आप लोगों ने अल्कलाइन रखना है अपनी बॉडी को, ठीक है। अब वो गोश्त एसिडिक है, उसको तो हम, उसकी नेचर चेंज नहीं कर सकते हैं, हम लोगों ने अब साथ में दूसरी चीज़ें ऐड करनी है जो अल्कलाइन बना देंगी हमारी बॉडी को। उसके लिए सबसे पहले मैं मॉर्निंग ड्रिंक आप लोगों को, वैसे भी आपकी बॉडी अल्कलाइन बना रही होती हूँ, सुबह सुबह मैंने मॉर्निंग ड्रिंक जो बताया हुआ है, लेमन और वो सॉल्ट उसमें डाल के, पिंक सॉल्ट डाल के या ब्लैक सॉल्ट डाल के आप लोगों ने मॉर्निंग ड्रिंक अपना वो पीना है, वो आपकी बॉडी को अल्कलाइन करेगा। जो लेमन वाटर होता है वो अल्कलाइन करता है बॉडी को। आप लोगों ने सुबह मॉर्निंग में वो अपना वाटर पीना है 2 ग्लास, ठीक है, उसकी बॉडी आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी। उसके बाद ईद डेज में क्या हो रहा होता है, तीनों टाइम गोश्त चल रहा होता है, पाए चल रहे हैं नाश्ते में, दोपहर में भी गोश्त, रात को भी गोश्त, बिरयानी की फार्म में, सालन की फार्म में। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग नाश्ता करेंगे तो नाश्ते के 4-5 घंटे बाद भूख लगनी ही लगनी है, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए ही चाहिए होगी। तो इस वजह से नाश्ता आप लोग अपना वही एग ऑमलेट, दलिया, चाय, नाश्ता आप लोगों ने वही करना है अपना, ठीक है। और जो लंच है, लंच में आप लोगों ने अपना वो गोश्त और सालन और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खाना जो उनसे अपना लंच के टाइम ही रखना है, नाश्ते में आप लोगों ने गोश्त नहीं लेना है। आप लोग ये थोड़ा सा चेंज आप अपने इस साल लेके आएंगे तो आप देखिएगा कितना ईजीली आप लोग हैवी भी नहीं फील करेंगे और न्यूट्रिएंट्स भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकेंगे सही तरह से। जब डाइजेस्ट सही तरह से होगा, एब्जॉर्ब सही तरह से होगा, तभी आप लोगों को तवानाई मिलेगी सारे गोश्त की। तो इसे लोग अनहेल्दी बना देते हैं गलत तरीके से खा के, तीनों टाइम ही खा रहे होते हैं। आप लोगों ने अपना नाश्ता वही करना है जो मैंने आप लोगों को बताया, अल्कलाइन वाटर आप लोगों ने लेना है। अब लंच में, अब गोश्त को आप लोगों का जो स्टमक हमारा होता है उस सबसे ज़्यादा एसिडिक उसे होना चाहिए, पूरी बॉडी में से पूरी बॉडी को अल्कलाइन होना चाहिए, स्टमक को बहुत एसिडिक होना चाहिए। और जब ये गोश्त वगैरह खाते हैं, ये प्रोटीन जो गोश्त की होती है ये डाइजेस्ट स्टमक में होती है, तो खाने से पहले आपका जो उनका मैदा है वो उसे एसिडिक होना चाहिए।
एसिडिक आप लोगों ने किस तरह से बनाना है। अब 30 प्लस हैं आप लोग, अगर आप लोगों को कोई इशू नहीं है डाइजेशन का तो आप लोग ना यूज़ करें, लेकिन अगर आप लोग 30 प्लस हैं तो अगर आप लोग ये एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर लेंगे, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये बॉडी में भी जो मिनरल डिपॉजिट हुए होते हैं उनको भी ये निकालता है, उनको यूटिलाइज़ करवाता है, एनर्जी में कन्वर्ट करवाता है, और अर्थराइटिस से भी बचते हैं लोग, और जो जिनको अर्थराइटिस नहीं भी है उनकी भी डाइजेशन को मिनरल्स को जमने नहीं देता है बॉडी में। आप लोगों ने क्या करना है, खाने के साथ खाने से पहले जो सा है छोटे स्पून का तीसरा पोर्शन जो सा है एप्पल साइडर विनेगर पौना ग्लास पानी में डाल के आप लोगों ने पानी साथ में पिएंगे और अपना खाना खाएंगे आप लोग। और खाने में क्या है, खाने में आप लोगों ने सिर्फ अब गोश्त सालन रोटी नहीं खा लेनी, आप लोगों ने अपने सैलड प्री प्रोबायोटिक को अपने ध्यान में रखना है कि मेरा दही कहाँ है, प्रोबायोटिक कहाँ है। प्रोबायोटिक क्या है, ये हमारे अच्छे बैक्टीरिया हैं, आप लोगों ने उस टाइम अच्छे बैक्टीरिया आंतों के लिए अच्छे बैक्टीरिया भी लेके जाने हैं। उनका खाना क्या है, सलाद, ठीक है, आप लोगों ने सैलड भी साथ में यूज़ करना है और साथ में फिर गोश्त वगैरह भी हो जाएगा। इस तरह क्या होगा, आप लोग अच्छे बैक्टीरिया का खाना भी खा रहे होंगे और ये उनका खाना अच्छे बैक्टीरिया अंदर आप लोग भेजेंगे तो वो क्या करेंगे, वो एंजाइम रिलीज करेंगे उस खाने को जब डाइजेस्ट हो जाएगा स्टमक में, उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए उसकी जो न्यूट्रेंट्स हैं एब्जॉर्ब करवा के ब्लड तक पहुँचाएंगे तो तभी एनर्जी मिलेगी। और उसके लिए आप लोगों को अपने इन दोनों प्री प्रोबायोटिक आपने ऐड करने हैं अपने खाने में। दोपहर का खाना आप लोग खा लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने खाने के एक डेढ़ घंटे बाद फ़ौरन साथ में पानी नहीं पीना है, एसिडिक ही रहने देना है स्टमक को। पानी आपने साथ में पी लिया है वो एप्पल साइडर विनेगर डाल के, खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना है, एक डेढ़ घंटे के बाद आप लोगों ने पानी पीना है, ठीक है। और पानी का इंटेक अच्छा रखना है, वो आपकी डाइजेशन को भी सही रखेगा और कॉन्स्टिपेट नहीं आप लोगों को होने देगा। उसके टाइमिंग का बस ख्याल रखना है कि हमने फ़ौरन इस तरह से नहीं लेना है, ठीक है। और जो ग्रीन टी या चाय का आप लोगों ने यूज़ रखना है वो भी डिटॉक्स करती है बॉडी को, डाइजेशन भी बेटर बनाती है। उसके बाद आप लोगों ने जो रात का खाना है वो सोने से 3 घंटे पहले आप लोगों ने अपना रात का खाना खा लेना है। अब ये नहीं कि वो दोपहर का खाना थोड़ा लेट खाया है तो वो उस हिसाब से कम खा लें, और कोशिश करें कि आप लोग बिरयानी राइस वगैरह जो उनसे हैं वो रात को लें। मैंने इस पे राइस पे वीडियो भी किया है और स्लीप पे भी वीडियो किया है, उसमें मैंने इसके बेनिफिट बताए हैं कि क्यों राइस जो हैं वो रात को लेने चाहिए। तो आप लोगों ने रोटी वगैरह दोपहर को कोशिश करें लें और रात को आप लोग राइस जो हैं वो रात को खाएं, लेकिन क्वांटिटी उसकी कम खानी है, ठीक है। आप लोग ये नहीं कि आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग रात का खाना ना खाइएगा, एक टाइम ही खाना खाएं, रात का खाना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी खाना है आप लोगों ने, लेकिन सोने से 3 घंटे पहले आप लोगों ने खाना खाना है ताकि वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सके। और उसमें भी आप लोगों ने अपने प्री प्रोबायोटिक का ख्याल रखना है साथ में, और कम खाना है, राइस को आप रात को ले लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, स्लीप अच्छी रखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आप लोग, ये वाली मेहनत वाली ईद होती है, इसमें फीमेल्स भी थक रही होती हैं और मेल्स वगैरह भी मेहनत कर रहे होते हैं गोश्त को तकसीम करने में, साथ में वो सारा समेटने वगैरह में सारी हेल्प हो रही होती है, तो इसमें मैं आप लोगों को डंबल वाली एक्सरसाइज नहीं कह रही हूँ, ठीक है। आप इन 4-5 दिनों में डंबल वाली एक्सरसाइज ना करें, लेकिन आप लोग अपनी डीप ब्रीदिंग की और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज जो मैंने अपलोड की हुई हैं आप लोगों ने, वो अपनी जो वो वाली एक्सरसाइज हैं स्ट्रेचिंग वगैरह की, वो आप लोगों ने करनी है, और इससे आप लोग देखिएगा आपकी डाइजेशन कितनी बेटर होती है। और रात को खाना खाने के बाद जब बातें कर रहे हो बैठे हो वैसे ही आप जो उनसा है अपनी डीप ब्रीदिंग पे जोर दे दें, ठीक है ना, उस टाइम पे डीप ब्रीदिंग पे जोर दे दें। सुबह मॉर्निंग में उठ के आप लोग अपना वो कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें, ये रिलैक्स वाली, इसमें आपको बर्डन भी नहीं लगेगा कि क्या साजिदा ने कहा कि एक्सरसाइज करो, ये कोई एक्सरसाइज के दिन है, ये तो ईद के दिन है, एंजॉय के दिन है, ठीक है। आप लोग एंजॉय करें, लेकिन साथ में आप लोग हल्की वाली एक्सरसाइजेज आप लोगों को बता रही हूँ, और ये हल्की वाली एक्सरसाइजेज जो सी हैं ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए। और मैंने अर्थराइटिस पेशेंट के लिए भी स्पेशल वीडियो मैंने किया था कि वो लोग गोश्त बिल्कुल खाएं, एंजॉय करें गोश्त को भी, पर साथ में अपने ये सारी जो चीज़ें आज बताई हैं इनको उन्होंने साथ में नोटिस में रखना है, और प्लस अपने एक्सरसाइजेज जो मैंने वो बताई थी वो आप लोगों ने डेली बेस पर करनी है, तो फिर देखिएगा आप लोगों का एनर्जी लेवल पिछली ईद से कितना ज़्यादा होएगा, ठीक है। इंजॉय करें अपनी ईद, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इंजॉय करें होंगे अपनी ईद। और मेरी ईद का ड्रेस, ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इधर, ये मेरा ईद का ड्रेस है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।